मैं उषा जसरोटिया मिठा नाला मैकलोडगंज से बोल रही हूँ। मेरे साथ 3 तारीख को 3 जून 8:15 बजे मैं अपने घर में बैठा सो रही थी अपने बेडरूम में, तो मेरे साथ 3 जून को एक घटना हुई है, मेरे घर पे हमला हुआ है। 3 जून की बात है, 8:15 बजे मैं अक्षय कुमार की मूवी देख रही थी, तो मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं घर के बाहर, तो मेरे पड़ोस की एक औरत है उषा देवी वाइफ ऑफ श्री पुष्पेंद्र सिंह, तो वो चिल्ला रही थी और वो भागी हुई थी। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे अपने घर की फर्स्ट फ्लोर पे पहुंची, भाग के देखा मैंने, तो वो मेरे पीछे छुप गई। इसी दौरान जो पुष्पेंद्र है उसका हस्बैंड है, मैंने उसको देखा, वो गेट के बाहर से हाथ में डंडा लिया हुआ था और उसने शर्ट पहनी थी, उसने पैंट नहीं पहनी थी, वो आधा नंगा था, तो वो शराब के नशे में टल्ली उसकी तरफ भागा हुआ था। तो जैसे ही वो लेडीज़ मेरे पीछे छुप गई तो वो उसने कहा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये मुझे मार रहा है और मुझे पूरे गांव में कोई नहीं छुड़ा रहा है। इन बिटवीन मैंने आगे बढ़ी मैं, और मैं जब मैंने देखा अचानक वो मेरे गेट खोल के अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर घुसा तो मुझे डराने लगा कि मैडम आप इसको बाहर निकालो, साली कुतिया पूरे गांव में तू ही है जो इसको सपोर्ट करती है, बाकी कोई नहीं है जो इसको यहाँ बचाए, तो आज तो मैं इसको जान से मार डालूंगा। मैंने उसको बोला भैया तुम ऐसे मत करो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो उसने मेरे को डंडे से डराया और उसने मेरे साथ कुछ अश्लील हरकत भी की। इसी दौरान उसको मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको धक्का दिया और धक्का देके बाजू से पकड़ के नीचे अपने गेट के बाहर निकाला। हमारा जो गेट है वो थोड़ा हाइट पे है, उसने जंप लगाया और वो नाली में गिरा। जब वो नाली में गिरा तो थोड़ा बहुत डर गया, उसको ऐसे लगा कि मेरे को ये लोग अभी मेरे को मारेंगे, तो वो भागा। भाग करके वो कोई 100 मीटर की दूरी पे एक खेत है, वहाँ पे जा करके मेरे को बोलता मैं तेरे को अभी मजा चिखाता हूँ। वो मुझे नहीं पता था कि ये कोई प्लानिंग है, तो वो जोर से चिल्लाया वहाँ पे और चीखने लगा कि मेरे भाइयों गाँव वालों दौड़ो, इन लोगों ने मेरे को मारा। तो वो जो लोग थे उसका पहले सबसे पहले उसकी मदर आई, फिर उसके बाद उसका भाई आया। वो दोनों ही जब उस पोर्ट पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि हमारा भाई मेरा बेटा चिल्ला रहा है, तो उन्होंने जोर जोर से चीखे, उन लोगों ने भी चिल्लाने शुरू हो गए कि जो दौड़ो दौड़ो हमारे बेटे को मार डाला, हमको मार डाला। जिसमें सबसे पहले अम्मा जी ने उसकी माँ ने चिल्लाना शुरू किया कि गाँव वालों दौड़ो दौड़ो हमें मार दिया हमें मार दिया, इन्होंने हमें मार दिया। ये सारी चीज सुन के चार पांच लोग एक घर से, चार पांच लोग दूसरे घर से, चार पांच लोग तीसरे घर से, बिटवीन हमारे घर के आसपास 12 घर है जो कि पूरे के पूरे गद्दी के मैंने टिके, इन्हीं के ही चाचा ताया भाई भतीजा बाद है, वो सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने पीछे की जो जितनी भी घटना है कि स्टार्ट किस तरह से हुई उस चीज़ को ब्लैंक कर दिया उन्होंने बिना सोचे समझे, वो उसके भड़काने के ऊपर कि हमारे भाई को हमारे भतीजे को इन लोगों ने मारा है। शायद उनकी समझ में ही नहीं आया कि पीछे की लड़ाई क्या है, पुष्पेंद्र था कहाँ या अपनी बीबी को मार रहा था, ये मैं नहीं जानती हूँ। वो उन लोगों ने उनके कहने पे हमारे गेट के ऊपर आ गए। हमारे गेट के ऊपर आते ही मेरे पति ने और मैंने देखा कि ये लोग बड़ी भड़काऊ स्थिति में हैं, क्योंकि वो बहुत उग्र लग रहे थे और वो चिल्ला रहे थे कि सालो बाहर निकलो मार डालेंगे पीट डालेंगे। तो हम लोगों ने दोनों तरफ से गेट बंद कर लिए। जैसे ही हम लोगों ने गेट बंद किया, पब्लिक जो है वो हमें उकसाने लगी कि बाहर निकलो मार देंगे मार देंगे। इन बिटवीन कुछ लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिए। 20-25 लोग जिनमें बच्चे बूढ़े औरतें सारे लोग इकट्ठे थे गांव के, उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया। मेरे पति ने जैसे गेट बंद किया उन्होंने गेट खोला, गेट को तोड़ डाला, कुंडी लगे हुए गेट को तोड़ा और उखाड़ के फेंक दिया नाले में। और सबसे पहले 4-5 औरतें अंदर घुसी जो कि उन्होंने ही घुसाई प्लानिंग करके, जिसमें कैप्टन होशियार सिंह ने जो कि गांव के प्रधान है, प्रधान होने के नाते भी उन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं मैं यहां पे खड़ा हूं, आप लोग घुसो और मैं जो हूँ आपका बचाव करूंगा, जो भी बात होगी आगे की मैं संभालूंगा। ये सारी जो है वो भड़काऊ स्थिति कैप्टन होशियार सिंह ने पैदा की और वो सभी लोग कैप्टन होशियार सिंह की लीडरशिप में निडर होके, एक उनको ये भी नहीं डर कि कानून प्रशासन भी बैठा है और कानून भी कोई चीज़ है, वो निडर होके एक गुंडागर्दी पे उतर आए और उन्होंने गेट तोड़ा और वो मेरे घर के अंदर घुस के डंडा ले करके
दो चार औरतों ने मेरे पति को मारना शुरू कर दिया, मेरे को मारना, जिसमें हम खून से लथपथ हो गए। हमने चिल्लाए बचाओ, लेकिन कोई भी हमें बचाने के लिए नहीं आ रहा था। अबाउट 200 लोग वहाँ पे तमाशा देखने के लिए दाएं बाएं खड़े हो रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कोई आए और बचाए, क्योंकि कोई भी आता तो उसको भी वहाँ पे मार पड़ती और उसकी भी हालत ख़राब होती। इसी दौरान मेरे जो बेटा है उसने मेरी ही फेसबुक से, मेरी आईडी से जो है वो लाइव वीडियो स्टार्ट कर दी। जब वो लाइव वीडियो उसने स्टार्ट कर दी तो उसके पीछे भी उन्होंने देख लिया कि वो लाइव वीडियो बना रहा है, तो अबाउट वो एक या दो मिनट की क्लिप बना पाया और वो भागा। जब वो भागा कि वो पुलिस को लाने लगा, तो वो रास्ते में दो चार पांच लोगों ने उसको पकड़ लिया, मोबाइल भी छीन लिया और उसका गला दबाया, उसको लात घुंसों से। बच्चा जो है वो मेरा दो दिन तक मुझे नहीं मिला। दूसरे दिन शाम को बच्चा आया, वो डर के मारे गाँव के किसी, बड़ी पावर है। हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैं, हमने 2 साल पहले यहाँ पे घर बनाया है। हम लोग बाहर के हैं, हम लोग बेसिकली लोकल्स नहीं हैं, लोकेलिटी में नहीं आते हैं, हमारे पास लोकल पावर नहीं है, पब्लिक कोई भी नहीं है जो हमें सपोर्ट करे। दर्शक बन के सबने देखा है, लेकिन कोई भी नहीं है जो हमारी गवाही दे। हमारे पास एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, दो चार लोग हैं जिनकी फिटनेस है, इसके अलावा हमारे पास डिफेंस में कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने प्लानिंग से ही हमला किया है, क्योंकि इनके पास डिफेंस है। अभी ये सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस दौरान मुझे सुनने में आया है कि इन लोगों ने डिफेंस में, अपने डिफेंस में, इनको डर है कि हमारे ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ है तो हमारे ऊपर कहीं कानूनी कार्रवाई ना हो जाए या कहीं हम अंदर ना हो जाएं, तो ये डिफेंस में डरे हुए नहीं हैं। अपने ये इनको ये डर नहीं है कि हमने ये गलत काम किया है, बल्कि ये और निडर हैं, निडर होके ये प्लान कर रहे हैं। 200 लोगों के सिग्नेचर करवा करके ये लोग धर्मशाला एसपी ऑफिस जा रहे हैं, डीसी ऑफिस जा रहे हैं कि ये लोग, इन लोगों का कहना है कि इन दो लोगों से और एक छोटे बच्चे से जो कि मेरा बेटा है, इन पूरे गांवों को खतरा है। किस तरह का खतरा है? हम लोगों ने इन लोगों के साथ ऐसा क्या किया है जो इन लोगों से, हमसे, इन तीन लोगों से खतरा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। ये सारी सोची समझी प्लानिंग है और कम्युनिटी पावर करके एक दंगा, किसी से जाति दुश्मनी निकालने का एक प्लानिंग है, एक बहुत अच्छा तरीका है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं, 200 लोगों की एप्लीकेशंस पर साइन करके अपना डिफेंस कर रहे हैं। और ये मैं समझती हूँ कि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, ये एक दंगे में तब्दील हो सकती है आने वाले टाइम में। मैं असुरक्षित हूँ, हमको रात को घर में सोने में दहशत है, हम लोग बाहर मार्केट तक, अपनी दुकान तक नहीं जा सकते। कोई भी आदमी इनमें से, जब 200 आदमी एक साथ है तो अपराधी तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अपराधी के पास 200 लोगों की पावर है। तो हम दो तीन लोगों तो ये जान से भी मार सकते हैं। हमारे ऊपर एक बार हमला हुआ है, दो बार हो सकता है हमारे घर के ऊपर जो है वो ये प्लानिंग कर सकते हैं, तोड़ फोड़ फिर कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं। मुझे किसी भी तरह का जान माल का खतरा है। मैं यही चाहती हूँ कि प्रशासन जो है वो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हमें न्याय मिले, हमें सुरक्षा मिले। और मैं शांति का माहौल चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये लोग जो है वो इस तरह की हरकत दोबारा ना करें। यही मेरा जो है वो आम पब्लिक से और प्रशासन से अनुरोध है। अगर भविष्य में मेरे साथ, मेरे जो घटना 3 तारीख को हुई है वो घटना दोबारा से रिपीट होती है, मेरे घर में किसी तरह की आगजनी की भी हिम्मत नहीं थी कोई आए और बचाए, क्योंकि कोई भी आता तो उसको भी वहाँ पे मार पड़ती और उसकी भी हालत ख़राब होती। इसी दौरान मेरे जो बेटा है उसने मेरी ही फेसबुक से, मेरी आईडी से जो है वो लाइव वीडियो स्टार्ट कर दी। जब वो लाइव वीडियो उसने स्टार्ट कर दी तो उसके पीछे भी उन्होंने देख लिया कि वो लाइव वीडियो बना रहा है, तो अबाउट वो एक या दो मिनट की क्लिप बना पाया और वो भागा। जब वो भागा कि वो पुलिस को लाने लगा, तो वो रास्ते में दो चार पांच लोगों ने उसको पकड़ लिया, मोबाइल भी छीन लिया और उसका गला दबाया, उसको लात घुंसों से। बच्चा जो है वो मेरा दो दिन तक मुझे नहीं मिला। दूसरे दिन शाम को बच्चा आया, वो डर के मारे गाँव के किसी अपने दोस्त के घर में छुपा हुआ था। तो इस सारी घटना में वो जो औरत मेरे पीछे छुपी थी उसको भी मारा गया, जिसके पीछे लड़ाई हुई है, उषा देवी, पुष्पिंदर सिंह की वाइफ है वो।
उसको बाहर निकालने की बात कर रहे थे कि इसको बाहर निकालो, तुम लोग इसको क्यों बचा रहे, मेरे हस्बैंड को भी मारा, मेरे को भी मारा। फिर हम लोगों ने इतनी भयानक स्थिति, इतना भड़काऊ दंगा देख के, हमला देख कर हम लोग अपनी जान बचा करके फर्स्ट से सेकंड फ्लोर, सेकंड से थर्ड फ्लोर की तरफ भागे और अपने बेडरूम में घुस के हम लोगों ने अपनी कुंडी लगा ली। लेकिन जो मेरा ऊपर वाला फ्लोर का कमरे हैं दो, जहाँ पे बेडरूम में हम लोग रहते हैं, उसकी ग्रिल नहीं है, वो शीशा लगा हुआ है। इन्होंने देखा कि हम लोग अंदर से फिर वीडियो बना रहे थे, तो इन्होंने शीशा तोड़ दिया। और दो चार लड़के जो हैं, जो कि मैंने उनके नाम जो है वो मैंने मेंशन किए हैं अपनी FIR लॉज में, वो अंदर घुस गए, जो कि गाँव के लड़के हैं, अंदर घुस के बेडरूम में इन्होंने हमें मारा। इनकी औरतों ने लात घूंसों से जो है वो दरवाजा तोड़ा, अंदर घुसे, अंदर घुस के हमें मारना शुरू किया। जो रूम के अंदर सामान था, क्रॉकरी थी, जो भी घर की छोटी चीज़ें, तोड़ फोड़ की, हमें मारा। फिर हम लोगों से माफियां मंगवाई, उठक बैठक करवाई। गांव की इस तरह की गुंडागर्दी, जो कि प्रधान खड़ा था नीचे, इस तरह की 20-25 लोगों की, 10-15 लोगों का हमला, 20-25 लोगों का खड़े होके दंगा करवाना, इस तरह की घटना देख के, वो भी दो लोगों के ऊपर, मैं मेरी मुझे तो मैं इस तरह मैं इतनी दहशत में हूँ, मुझे जान माल का खतरा है, मेरा घर पूरा टूटा फूटा है, मेरे जो मेडिकल्स बने हुए हैं, मेरी थाना में मैक्लोडगंज थाना में रिपोर्ट दर्ज है, उसके बावजूद भी जो है इन लोगों को किस तरह का कोई डर नहीं है। इसी घटना के दौरान पुलिस भी आई, SHO नीरज जी भी मौके पर आए। हमारा जो केस है वो रजिस्टर्ड है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बावजूद भी जो अपराधी हैं जिन्होंने हमें मारा है, वो भी उनको किसी तरह का कोई प्रशासन का, कानून का डर नहीं है। वो अभी भी बड़े खुश होके घूमते हैं। उनका कहना है कि प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक कम्युनिटी पान से भी मार सकते हैं। हमारे ऊपर एक बार हमला हुआ है, दो बार हो सकता है, हमारे घर के ऊपर जो है वो ये प्लानिंग कर सकते हैं, तोड़ फोड़ फिर कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, मुझे किसी भी तरह का जान माल का खतरा है। मैं यही चाहती हूँ कि प्रशासन जो है वो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हमें न्याय मिले, हमें सुरक्षा मिले, और मैं शांति का माहौल चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये लोग जो है वो इस तरह की हरकत दोबारा ना करें। यही मेरा जो है वो आम पब्लिक से और प्रशासन से अनुरोध है। अगर भविष्य में मेरे साथ, मेरे जो घटना 3 तारीख को हुई है, वो घटना दोबारा से रिपीट होती है, मेरे घर में किसी तरह की आगजनी की घटना होती है, किसी तरह की तोड़फोड़ होती है, मेरे पति और मेरे बच्चे और मेरे साथ किसी तरह का जान माल का हमला होता है, तो मैं ये लाइव बयान जो है वो दे रही हूँ, इसको मद्देनजर रखा जाए। मैं चाहती हूँ कि प्रशासन, DC, SP, आम जनता मेरे बयान को सुने, मेरे अनुरोध को सुने, मेरी रिक्वेस्ट सुने, मेरे को न्याय दिलवाया जाए। और अगर भविष्य में कोई घटना होती है तो ये मेरा बयान जो लाइव चल रहा है, इसको मद्देनजर रखा जाए, और इसके अलावा मुझे न्याय दिलवाया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए। धन्यवाद।